हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग थॉट। आप सब कैसे हो? अच्छे से हो ना? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको पोटली का फ्लावर के बारे में बोलूँगी। पोटली का फ्लावर, उसका भी डिफरेंट टाइप का कलर आता है। देखिए, वाइट आता है, पिंक आता है, रेड आता है, ऑरेंज आता है, इसका ढेरों कलर है। लेकिन इसको लगाना भी, उसको बहुत धूप चाहिए, लगाना भी बहुत आसान है। वो आराम से कटिंग से लग जाता है और इसको 5-6 घंटा का धूप मिल जाए ना, ये बहुत सुंदर चल जाता है। देखिए, मेरा बालकनी में ये लगा हुआ है। मेरा तो जगह नहीं है, छोटा सा बालकनी है। यहाँ मैं 2 गमला में इसको कहीं से कटिंग ला करके इसको लगा ली थी। देखिए, वो कटिंग से 1 महीना में इतना बड़ा हो गया और इतना फ्लावर खिल गया है ना। देखिए, थोड़ा धूप ज़्यादा होने से ज़्यादा फ्लावर खिलता है। तो धूप तो आज थोड़ा बारिश का मौसम है, धूप कम है, इसके चलते ना ये बहुत कम, आज कम फूला है लेकिन भर जाता है। तो चलिए, अभी उसका सीजन भी जा रहा है, थोड़ा फ्लावर कम देना शुरू कर देगा, वो ज़्यादा फ्लावर जाए देगा। इसको हमको बच्चा के रखना है, इसको नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए बचाना है। चलिए, हम आज आपको बताते हैं इसका पोटिंग सेल कैसे करें, इसको कैसे गमला में लगाने से सुंदर लगेगा। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, आप इसको ऐसे भी फैला हुआ गमला, जो राउंड राउंड गमला आता है ना, थोड़ा चौड़ा चौड़ा, उसमें लगाओगे तो ज़्यादा फैलेगा, बहुत सुंदर लगेगा। उसमें भी आप लगा सकते हो। और इसको पोटिंग सेल ज़्यादा पानी नहीं खोजता है, ना ज़्यादा न्यूट्रिशन खोजता है। ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा वो खाद सार का वो सब का कुछ ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ दे दो तो वो खुश रहता है। चलिए, आज इसका बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, मेरा सफ़ेद कलर का भी खिला है, पिंक का भी खिला है, ऑरेंज का भी खिला है, यहाँ पे येलो वाला कहाँ चला गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ है लेकिन ऐसे फूल नहीं आया है। चलिए, वीडियो शुरू करते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, इसका पोटिंग सॉइल कैसे रेडी करेंगे, इसको सन का कितना चाहिए और इसको कैसे रखना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए इसको कैसे सेव करेंगे, इसका बारे में हम आज बात करते हैं। चलिए। हाँ फ्रेंड्स, पोर्टुलिका को पोस्टलिन भी बोलते हैं। और मैं बोली थी इसको डिफरेंट टाइप का कंटेनर में आप लगा सकते हैं, आपको जैसे इच्छा। आप बड़ा कंटेनर में भी लगा सकते हैं, छोटे में भी लगा सकते हैं। आप इसको टावर वाला कंटेनर, टावर जैसा कर सकते हैं। आप इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। देखिए, मैं हैंगिंग में लगाना चाहती हूँ अभी इसको, क्योंकि मेरे पास कंटेनर में ढेर सारा है। मैं ऐसा वाला हैंगिंग में लगाने के लिए ऐसा वाला टोकरी सब ली हूँ। ये टोकरी लोकल मार्केट में मिल जाता है और इसमें ढेर सारा छेद है। मैं इसको कैसे लगाऊँगी इसमें ये मेरा 99 रुपीज़ में 3 मिला था, तो उस तरह मैं 2-3 सेट ले रखती हूँ और अभी इसमें इसको लगाऊंगी। और इसको तो मेरे को नेक्स्ट सीजन के लिए भी फिर से सेव करके रखना है ना। मैं इसको अभी आपको इस तरह कैसे लगाऊंगी ये दिखाती हूँ। इसका पोटिंग सॉइल के लिए मैं क्या ली हूँ ये देखिए। इसके लिए मैं 1 हिस्सा बाली ली हूँ, 1 हिस्सा इसमें मिट्टी गार्डन सॉइल, जो प्लेन गार्डन सॉइल ली हूँ, और इसमें 1 हिस्सा मैं कोकोपीट ली हूँ, और 10% करीबन मैं, तो 10-15% करीबन में इसमें वर्मी कंपोस्ट लूँगी। इसमें अगर चाहो तो आप नीम खली भी मिला सकते हो और फंगीसाइड कोई भी सांप वगैरह का पाउडर भी मिला सकते हो, इसमें 1 चम्मच इसमें डाल सकते हो। इसमें डाल करके इसको पोटिंग सॉइल मिक्स कर देते हैं। और इसके लिए मैं इसमें टोकरी में लगाऊंगी, मैं छोटा वाला टोकरी में इसको लगाऊंगी। और इसके लिए मैं प्लांट्स का मैं कुछ कटिंग ली हूँ। आप चाहे इसमें तो ढेर कलर का प्लांट्स आता है, रेड, येलो, वाइट, पिंक, आप इसको अलग अलग कलर करके अलग अलग टोकरी में लगा सकते हैं, नहीं तो मिक्सअप करके इसको लगा सकते हैं। मैं एक टोकरी में इसको कैसे लगाऊंगी, इसको लगाने के लिए इसको मैं हैंगिंग करूंगी। ये टोकरी ली हूँ और ये वाला चेन में अमेजन की थी, देखिए इसका मैं इसको हैंग कर लूँगी इसमें और ऊपर में टांग दूँगी। और ये टोकरी और टोकरी में बिछाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो हम जो मॉल वगैरह से जो कपड़ा वगैरह लाते हैं ना, ऐसा वाला कॉटन का बैग जो देते हैं, मैं इसको इसमें ऐसा बिछाऊँगी और इसको मैं काट दूँगी। इसको काट करके इसका हिसाब से मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए, मैं इसमें
डालना। ऐसे डालने से क्या होता है ना, इसका जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो बाहर नहीं जाएगा और इसमें पानी भी जम के नहीं रहेगा, क्योंकि हमको इसमें ओल्ड रेन सॉइल चाहिए और ये ज़्यादा पानी नहीं खोजता है इस, और इसको ज़्यादा पानी, अगर ये इसका जड़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ये सकुलेंट वेराइटी का होता है, इसका पत्ता में वो पानी संग्रह करके रखता है। ये पत्ता भी थोड़ा देखिए मोटा मोटा होता है, उसमें पानी रहता है। ये अगर अगर हफ्ता भर पानी भी नहीं देते हैं तो उसका वो भी चल जाता है, लेकिन इसका मिट्टी थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, ज़्यादा सूख जाने से भी तो वो भी तो ख़राब हो जाएगा ना। हर जीव के लिए पानी ही न्यूट्रिशन है, इतना पानी का तो कोई नहीं रह सकता, लेकिन इसको पानी बहुत कम चाहिए। अगर भूल गए हैं एक दो दिन के लिए पानी देना भी, वो सूख गया है वो भी, वो चल जाता है, थोड़ा पानी डाल दोगे तो वो हो जाएगा। चलिए इसका पॉटिंग मिक्सर कैसा है, बालू और मिट्टी में, इसमें कोकोपीट और ये जो है वर्मी कंपोस्ट, इसको मैं सारे को इसमें मिला दूँगी। इसको ऐसे मिला ली, इसको अच्छा से मैं इस तरह मिला मिलाने के बाद इसको मैं क्या करूँगी ना, अभी इसमें डालूँगी, इसमें डालूँगी। इसमें कोई मेरे को टिकरी वगैरह या कुछ और अलग से कुछ देना नहीं पड़ा, क्योंकि ये दे दी, इसको मैं इसमें मिट्टी भर दूँगी। ये पॉटिंग में सॉइल जो मैं बनाई अभी, इसको मैं इसमें डाल दूँगी, इससे और कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसको डालने के बाद ये देखिए पूरा बैठ गया, और जो एक्स्ट्रा है जो ये जो पेपर, ये जो इसका जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है, मैं इसको ऐसे निकाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा और जो दिखता है ना, ये जो प्लांट्स लगेगा ना, ये प्लांट्स लगने के बाद ये पूरा भर्ती हो जाएगा, ये दिखे बगैर भी नहीं, और ऐसे वो सेट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, अभी देखिए मैं कटिंग सॉइल इसमें भर दी, मेरा हो गया, और उसमें मैं कटिंग डाल दूँगी। इसका कटिंग आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी डाल सकते हैं डायरेक्ट ऐसे में डाल दूँगी, नहीं तो इसको छोटा छोटा कटिंग करके भी आप डाल सकते हैं। इस तरह भी एक तो छोटा छोटा कटिंग करके उसको डाल देंगे ना, क्योंकि मैं तीन ऐसे टोकरी ली हूँ, मैं इस पर तीनों में डालना है, मैं इसको कटिंग करके डालूँगी, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा करके मैं डाल दूँगी इसको। मैं इसको मिक्सअप करके ली हूँ हर कलर, मेरे को पता चल जाता है इसमें, देखिए ये सब इसका टहनी जो सफ़ेद रंग का दिखता है, ये मेरे को पता चलता है ये सफ़ेद में है, ये रेड में है मेरे को पता चलता है, ये पिंक में है, मैं इसका कलर से जान लेती हूँ पिंक में है, और एक तो ये ज़्यादा सफ़ेद है यहाँ से, और थोड़ा कम है ये येलो में है, और ये देखिए और एक थे ये पूरा ऑरेंज में है, मेरे को इसका पत्ता से पता चल जाता है, क्योंकि हर दिन फूल इसमें खिलता है, मैं देखती हूँ ना, तो इसका पता से मेरे को पता है, इसलिए आप लोग को अगर पता नहीं चलेगा तो इसलिए तो आप जब फूल खिलता है इसका कटिंग अलग अलग करके आप अलग अलग करके इसको सेव करके रख सकते हैं। अब हम इसको इसमें लगा दिए अभी, और ये अगर इसको आप अच्छा से लगाते हैं, उसका पॉटिंग सॉइल अच्छा से पॉटिंग मिक्स अगर अच्छा से रखते हैं, तो उसका जो मैं सॉइल मीडिया जैसे ली अभी, बालू मिट्टी और कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट मिला के सारा की, और उसमें अगर साग वगैरह मिला करके आप इसको अच्छा से पॉटिंग सॉइल इसका रेडी कर देंगे ना, इसका कभी वो जड़ नहीं सड़ेगा। और इसमें ज़्यादातर रबिया कौन सा कीड़ा लग जाता है, ज़्यादातर मिली बग लग जाता है, और चिंटी भी आ जाते हैं, चिंटियाँ भी लग जाता है, मिली बग का चलते चिंटी आ जाते हैं, और मिली बग को चिंटी खाते हैं, और वो मिली बग खाने के लिए चिंटी आ जाते हैं। और कभी कभार इसका फंगस तो नहीं होता, फंगस नहीं लगता है, लेकिन उसका जड़ इसका जो ऐसा जो होता है ना, ये लग जाने के बाद यहाँ से वाइट वाइट सा हो जाता है, इसको फंगस नहीं बोलते हैं। और इसको बीच बीच में अगर आप नीम खली का वगैरह उस दे देंगे, नीम ऑयल स्प्रे कर देंगे, और इसको वो सब इसमें चला जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। अगर उसको पॉटिंग सॉइल अगर ठीक से नहीं रखेंगे ना, वेल्ड्रेन नहीं रखेंगे, और पॉटिंग सॉइल जो हम इसको ठीक से नहीं रखेंगे, ये नहीं बचेगा और चला वो ख़त्म हो जाएगा। और ये समर का प्लांट है, वो जब सन आता है ना,
सन का टाइम, जब धूप का टाइम में भी ज़्यादा खिलता है, समर का टाइम में वो इसका जब ठंडा में विंटर में वो उसको डॉर्मेंसी में चला जाता है, और जब समर शुरू होता है तो फिर से नया नया पत्ता निकलता है और फिर ग्रीनरी उसका आ जाता है, और धीरे धीरे बारिश अक्टूबर से सेप्टेम्बर अक्टूबर तक ये फूल खिलता रहता है। और अगर आपको इसको इसमें ज़्यादा फूल चाहिए तो इस तरह आपको इसका पॉटिंग सॉइल बनाइए और इस तरह प्लांट को लगाइए, और इसको अगर सेव करना चाहिए चाहते हैं तो इस तरह को अब इसके प्लांट को क्या करें, इस तरह लगा लीजिए और आप अलग से रख दीजिए। ये तो अभी हम तो ऐसे इसको लगा रहे हैं, इसको हम सेव भी करेंगे, और मेरा तो ईस्ट फेसिंग बालकनी है, मैं बोली थी पहला वीडियो में, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा के इसको अभी छोड़ दूँ, भर दे हम सेव हो तो वो है मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेव हो जाएगा, और मेरा अभी अक्टूबर नवंबर तक की नवंबर बुक का वो फूल भी खिलता रहेगा, मेरा बालकनी भी रंग बिरंगा फूलों से भरा रहेगा। मैं इसलिए इसको देखिए, आप इस तरह भी कंटेनर में आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे बड़ा कंटेनर में लगा हूँ, और एक कंटेनर यहाँ रखती हूँ, मैं इसमें भी लगाना चाहती हूँ, और ये दोनों इसमें भी मैं लगाऊँगी, और इसको लगाने के बाद देखिए मैं लगा ली। अगर आप चाहे तो इसको छोटा छोटा पीस में कर कर के लगा सकते हैं, मेरे पास और भी है, मैं कटिंग और भी ले लूँगी दूसरे प्लांट से, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी इधर और दे देंगे और हो गया, ये देखिए भर्ती हो गया। और इसको पानी अभी ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि मेरा कोको पीस थोड़ा गीला था, मिट्टी और बारिश का मौसम में थोड़ा पानी गिर गया था इसमें, और पानी इसमें अब ज़्यादा नहीं दूँगी मैं, थोड़ा सा पानी उसमें दे दूँगी, छिड़क दूँगी जस्ट। और अभी इसे मैं कटिंग कर ली इसको, इसको लगाने के बाद आप इसको एक दो दिन के लिए छाँव में रख दीजिए, ये जब सेटल हो जाए फिर इसको आप धूप में निकाल दीजिए। अगर इसको धूप में नहीं निकालेंगे ना, वो नहीं बचेगा, वो फिर से वो मर जाएगा, वो बचेगा नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो इसको धूप चाहिए। एक दो दिन इसको सेटल होने के लिए यहाँ पर रख दीजिए, और फिर इसको धूप में रखिए, वो अच्छा से 15 दिन में टोकरी पूरा भर जाएगा, और ये सेप्टेम्बर अक्टूबर तक अच्छा फूल देने लगेगा। कैसा लगा टोकरी, अच्छा लगा ना, सस्ता भी है सुंदर भी है, और ये देखिए इसमें लगा दूँगी तो ये तो और चौड़ा हो जाएगा, और इससे क्या है, इससे ये अगर जितना कटिंग करोगे ना उतना घना होता रहेगा, ये भर जाएगा। तो अगर सस्ता सुंदर और टिकाऊ मेरे को भी मिल गया, सस्ता में भी मिल गया, 99 रुपीज़ में मेरा 3 टोकरी अच्छा है ना, इसको मैं 2-3 सेट लाई हूँ अलग अलग प्लांट लगाने के लिए। कैसा लगा मेरा ये, अच्छा लगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा, अगर मैं ये वीडियो मेरे आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप जितना कमेंट्स मेरे को करेंगे ना, मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा काम करने के लिए, और आपको नया नया वीडियो नया नया टिप्स दिखाने के लिए, और मैं DIY भी अच्छा अच्छा करके आपको दिखाऊँगी और सिखाऊँगी भी आप, और स्टिचिंग वगैरह भी मैं दे दूँगी बढ़िया बढ़िया, एम्ब्रॉयडरी में कैसे करती हूँ उसको भी आपको मैं बता दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।